Zoom इस्कोटेको, Zoom इस्कोटेको। वैसे अगर शाहरुख से पैचअप कर लेते हैं सलमान, तो बॉलीवुड के इन दो सुपरस्टार्स के फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन की इस हिट जोड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके फैंस। आखिर इनकी जोड़ी बॉक्स ऑफिस की हिट जोड़ी जो है, सलमान खान और शाहरुख खान, दो ऐसे नाम जिनके इर्द गिर्द घूमता है पूरा बॉलीवुड, जिनकी दोस्ती पर कभी होता था नाज पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, और अब जिनके झगड़े से परेशान सा रहता है बॉलीवुड। दोस्ती की पिच पर ये दोनों बैट्समैन भले ही जल्दी आउट हो गए हों, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर शाहरुख और सलमान ने हमेशा ही चौके छक्के मारे हैं। शाहरुख और सलमान को माना जाता है वन ऑफ द बेस्ट जोड़ीज ऑन सिल्वर स्क्रीन। ये दोनों जब भी साथ साथ आए, दे हैव रॉक्ड द बॉक्स ऑफिस। और इस ऑन स्क्रीन पेयरिंग की शुरुआत हुई 1995 में आई राकेश रोशन की सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन से। तो भाइयों की और उनके पुनर्जन्म की इस कहानी ने ऑडियंस को दीवाना बना दिया और फिल्म बनी वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑफ द ईयर। शाहरुख और सलमान को ऑन स्क्रीन साथ में देखकर सभी को ऐसा लगा कि जैसे असल जिंदगी में ये दोनों भाई ही हैं। इस फिल्म की सक्सेस ने शाहरुख और सलमान को भी इस बात का यकीन दिला दिया कि उनकी जोड़ी है सुपरहिट, और इससे उनकी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। 3 साल के बाद आई करण जौहर की डेब्यू फिल्म कुछ कुछ होता है। वैसे तो इस फिल्म में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी थे लीड रोल में, लेकिन सलमान खान ने सिर्फ शाहरुख के लिए किया एक स्पेशल अपीयरेंस। सच कहें तो सलमान खान कुछ कुछ होता है में पहली बार स्क्रीन पर आए तो सिनेमा घरों में बैठी ऑडियंसेस बेकाबू हो गई। इस फिल्म में भी शाहरुख और सलमान को साथ साथ देखना उनके फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। वैसे तो सलमान ने कुछ कुछ होता है में सिर्फ एक स्पेशल अपीयरेंस ही किया था, लेकिन सलमान का रोल इतना ज्यादा जबरदस्त था कि इस रोल के लिए सल्लू को मिला बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर अवार्ड। अगर सलमान ने शाहरुख के लिए कुछ कुछ होता है में किया स्पेशल अपीयरेंस, तो शाहरुख भी दोस्ती निभाने में कहां कम थे। शाहरुख नजर आए सलमान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा स्टारर हर दिल जो प्यार करेगा में एक गेस्ट अपीयरेंस में, और शाहरुख के सिर्फ चंद मिनट की मौजूदगी ने ही फिल्म में लगा दिए 4 चांद। साल 2002 में हम तुम्हारे हैं सनम में शाहरुख और सलमान एक बार फिर फुल फ्लेश रोल में नजर आए, लेकिन इस बार भाइयों के तौर पर नहीं बल्कि दुश्मनों की तरह। शाहरुख, सलमान और माधुरी दीक्षित स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हिट का दर्जा पा लिया। खासकर छोटे शहरों में तो शाहरुख और सलमान की नोकझोंक ने धमाल मचा दिया था, लेकिन अगले ही साल शाहरुख और सलमान की दोस्ती को लग गया ग्रहण। किंग खान की होम प्रोडक्शन चलते चलते के सेट्स पर सलमान ने जो हंगामा किया, उसके बाद शाहरुख ने सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय को फिल्म से निकाल दिया। साथ ही सलमान ने भी अपनी दोस्ती पर लगा दिया फुल स्टॉप। 3 साल तक इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच नहीं था कोई भी रिश्ता, लेकिन 2007 में शाहरुख की पहल पर सलमान से उनकी दोस्ती हो गई। एंड वंस अगेन SRK एंड सलमान केम टुगेदर फॉर शाहरुख होम प्रोडक्शन ओम शांति ओम, जिसमें सलमान ने किया एक गेस्ट अपीयरेंस। सभी को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है शाहरुख और सलमान के बीच, लेकिन अगले ही साल कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में फिर लड़ पड़े शाहरुख और सलमान, और तब से लेकर आज तक इन दोनों के बीच नहीं है कोई भी कांटेक्ट। इस लड़ाई की वजह से सलमान और शाहरुख के फैंस का भी हुआ है जबरदस्त नुकसान, क्योंकि अब शायद ही वो शाहरुख और सलमान को एक साथ किसी फिल्म में देख पाएंगे। सलमान तो आज भी शाहरुख के साथ फिल्में करने को तैयार हैं, सिर्फ शाहरुख की मर्जी का इंतजार है। और अगर सलमान और शाहरुख का हो जाता है पैचअप, तो यकीन करें हमारा बॉक्स ऑफिस पर मच जाएगा धमाल। पारस कोठारी, जूम, मुंबई।